हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक क्लास नौवीं दे साइंस विषय दे नाल संबंधित क्लास विच तुहाडा स्वागत है। जिवें कि तुसी सारे जानते हो, असी चैप्टर नंबर 6 शुरू किया होया है, जिसका नाम है टिशू। की नाम है? टिशू। इस विच सब तो पहला असी टिशू की डेफिनेशन की सी फर्स्ट वीडियो दे विच। उस तो बाद असी जानिया सी कि टिशू दो टाइप के होंगे ने, दो भागों में असी इन्हों वंडिया सी, केड़े केड़े? पौधा टिशू ते जंतु टिशू। पौधा टिशू अते जंतु टिशू, ठीक है। ते फर्दर असी पौधा टिशू नू भी दो भागों च वंडिया सी, केड़े केड़े? अस्थाई टिशू अते स्थाई टिशू, ठीक है। ये फ्लो चार्ट नालों नाल हुण तुसी बना लेना, ठीक है। अस्थाई टिशू नू की कहिंदे सी? मेरिस्टेमैटिक टिशूज। और स्थाई टिशू जिहड़े ने इन्हां नू की आखदे हन? परमानेंट टिशूज, ठीक है बच्चों। ते उस तो बाद असी ये भी फर्दर तीन मेन पार्ट्स दे विच डिवाइड कीता सी इन्हां नू, ठीक है। स्थाई टिश्यूज नू तीन पार्ट्स दे विच पढ़िया सी, केड़े केड़े? एपिकल याद करो, जो कि पौधे दे विच जड़ ते तने दे टिप्स ते हुंदे आ, मतलब सिखर ते प्रेजेंट हुंदे, इस करके इन्हों सिखरी टिशू भी आखदे आ। ते उस तो बाद असी पढ़िया सी लेटरल दा काम की हुंदा। लेटरल टिशूज जिहड़े ने ये की प्रदान करदे आ? एक गिरथ प्रदान करते हैं, मतलब मोटाई प्रदान करते हैं पौधे नू। ते उस तो बाद असी एक होर पार्ट विच इनू डिवाइड कीता सी, ओ किसी इंटरकलेरी दा मतलब इसका काम की सी? पौधे नू लंबाई प्रदान करना, मतलब पौधे दा अंदरूनी वाधा करना, ठीक है बच्चे। ते प्यारे विद्यार्थियो, असी हुण नेक्स्ट टॉपिक विच स्थाई टिश्यूज बारे पढ़ना है। ते इस टिश्यूज दे गुण बारे असी ऑलरेडी जान चुके हैं, असी वीडियो नंबर 2 दे विच असी पढ़िया सी कि इन्हां विच विभाजन की समर्था नहीं हुंदी। ये बेसिकली कित्थों ओरिजिनेट हुंदे ने? मेरिस्मैटिक टिश्यूज तों, ठीक है। और एक स्थाई आकार ले लैंदे आ ते फिर ये की खास कार्ज करदे ने, ठीक है जी। और ये डेड भी हो सकदे आ ते लिविंग भी हो सकदे आ, मतलब जीवित भी हो सकदे ने ते मृतिक भी हो सकदे ने। ते उस तो बाद असी पढ़िया सी कि इंटरसेलुलर स्पेसिंग इन्हां दे विच प्रेजेंट हुंदी आ, बट ओ रिड्यूस्ड हुंदी आ, ठीक है जी। तो हुण असी स्थाई टिश्यूज दी कैटागरीज बारे पढ़ना कि ये किन्ने टाइप्स दे हुंदे ने, ठीक है बच्चे। सो साडा टॉपिक है स्थाई टिशू। ते स्थाई टिशू बच्चे इन्हों असी दो मेन ग्रुपां दे विच पढ़दे आ, नोट करो केड़े केड़े ने? सरल स्थाई टिशू ते दूसरा है गुंजलदार टिशू। सरल स्थाई टिशू ते गुंजलदार टिशू, मतलब इन्हों असी कहांगे सिंपल परमानेंट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और एक ही हो गया फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सारे बच्चे नोट करो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो स्थाई टिश्यू किन्ने टाइप दे हो गए, केड़े दो ग्रुपां विच बंडना सी इन्हां नू? सरल स्थाई टिश्यू ते गुंजलदार टिश्यूज, ठीक है बच्चे। सो आओ हुण सब तो पहला असी सरल स्थाई टिश्यू बारे पढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्थाई टिश्यूआं नू असी मतलब परमानेंट टिश्यूज नू, नोट करो एक बार फिर, परमानेंट टिश्यूज नू दो मेन ग्रुप्स दे विच वंडिया, केड़े केड़े? सिंपल परमानेंट टिशू ते सेकंड
की है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज या फिर तुसी कह सकते कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, पहला तो इन्हों का मतलब समझो की है। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब सरल स्थाई टिश्यू, सरल स्थाई टिश्यू। तो यह हो गया बच्चे गुंझलदार, गुंझलदार स्थाई टिश्यूज। ठीक है, तो इन्हों दे विच पहला तो फर्क समझते हैं कि फर्क ही होता है। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू बच्चे की आ ये वो टिश्यू हुंदे ने जेड़े के इको जहे सैलां तो मिलके बनते ने। मतलब सिंपल परमानेंट, देखो वर्ड देखो की आ सिंपल परमानेंट। सरल स्थाई टिश्यू जो ने जे आप सिंपल लैंग्वेज गल करिए इहदे विच सारे टिश्यू जो ने वो इको ही तरह की सैलां तो मिलके बनते हैं। ठीक है, तो नोट करो कि सरल स्थाई टिश्यू की होंगे ने ए ओ टिश्यू होंगे ने, ए ओ टिश्यू होंगे हन जो एक तरह दे सरल सैलां तो बनते हन। प्यारे बच्चों नोट करो मीन्स किया के दी परमानेंट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मतलब ये वो स्थाई टिश्यू हो गए जेडे के इको तरह के सरल सैलां तो मिलके बनते हैं। तो दूसरे पासे जे असी गल करिए कॉम्पलैक्स टिश्यू की तो इहदा ओपोजिट आ जाना कि इहदे विच एक तो ज्यादा तरह के सैल होणगे उहनां नूं असी की कहांगे कॉम्पलैक्स टिश्यूज, मतलब गुंझलदार स्थाई टिश्यूज। तो बच्चे इन्हां बारे असी बाद विच गल करनी है। तो सब तो पहला असी पढ़ांगे हुण सिंपल परमानेंट टिश्यूज कि की ए फर्दर किसे भागां दे विच वंडे हुंदे आ जां नहीं। ठीक है बच्चे, सो आओ असी हुण सिंपल परमानेंट टिश्यूज बारे पढ़दे आ। सिंपल परमानेंट टिश्यूज एक बार फिर हैडिंग दो सरल स्थाई टिश्यू। ते बच्चे एक गल याद रखियो कि इन्हां दी नेचर जो है वह होंदी है होमोजीनियस इको जी, क्योंकि इको जे सैलां तो मिलके बनते हैं इस करके इन्हां दी नेचर भी की हो गई होमोजीनियस नेचर दे हो गए। ठीक है, और इन्हां नूं फर्दर असी थ्री कैटागरी दे विच कैटागराइज करते हैं। किहड़े-किहड़े ग्रुप ने, सब तो पहला है पैरेनकाइमा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम पैरेनकाइमा। ठीक है, दोनों मीडियम दे विच तुहाडी पढ़ाई चलाई जा रही है, तो प्लीज सारे बच्चे इनू नाल दे नाल नोट करना है, छड़ना नहीं है कोई भी टॉपिक। ठीक है, तुहाडे घर बैठे ही तुहानू सारा कुछ प्रोवाइड होएगा। तो बच्चे सेकंड जो है कैटेगरी है वो है कॉलेनकाइमा। कॉलेन लिखो, कॉलेनकाइमा। ठीक है बच्चे, सो इनू भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो कॉलेनकाइमा। उस तो बाद
थर्ड जो कैटेगरी है वो हुंदी है सेक्लेरन काइमा, सेक्लेरन काइमा। नोट करो बच्चे, सेक्लेरन काइमा। तो प्यारे विद्यार्थियों हुण असी इना बारे वन बाय वन पढ़ना है, तो आओ असी हुण इना बारे पढ़ते हैं। सब तो पहला की है पॉइंट कि स्थाई टिश्यूज नूं असी तीन भागां दे विच वंड लिया, केड़े-केड़े, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा ते सेक्लेरनकाइमा। ठीक है जी, तो पहला इनू नोट करो सारे बच्चे, उस तो बाद असी हुण पेरेनकाइमा बारे पढ़ांगे। ते बच्चे जे गल करिए पेरेनकाइमा दी, तो सब तो कॉमन टाइप दे टिश्यूज हुंदे ने पेरेनकाइमा, जो के पौद्यां दे विच पाए जांदे हन। ठीक है, तो इनू नोट करो, सब तो पहला दे तीनों कैटेगरीज नोट कर लो, उस तो बाद असी हुण इना बारे पढ़ना है। आओ सब तो पहला असी पेरेनकाइमा बारे पढ़ते हैं। इसनू हैडिंग दे लो हुण पेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा दोबारा हैडिंग दो, वन बाय वन असी दोनों बारे तीनों बारे पढ़ना है। तो आओ करते हैं पेरेनकाइमा। तो बच्चे की हुंदा है हुण, एक इस प्रकार दे टिश्यूज हुंदे ने, आओ पढ़िए। बेसिकली ए फर्स्ट पॉइंट नोट करो, नालो नाल नोट करते जाओ कि ए लार्ज, लार्ज मतलब वड्डे टिश्यू हुंदे हन, टिश्यू हुंदे हन जिन्हां विच, जिन्हां विच सेल कंध पतली हुंदी है, जिन्हां विच सेल कंध पतली हुंदी है। प्यारे विद्यार्थियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो भी नोट करो कि पेरेनकाइमा पेरेनकाइमा इज अनस्पेशलाइज्ड, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन, विद थिन सेल वॉल्स। तो बच्चे नोट करो, ए पॉइंट नोट करो। उस तो बाद बच्चे सेकंड पॉइंट हैगा, सेकंड पॉइंट की है, इना विच एक वड्डी रसदानी हुंदी है, इना विच एक वड्डी रसदानी हुंदी है, मतलब इना दे सेल्स जो ने उना दे विच एक वड्डी रसदानी मींस वैकुओल्स जेड़े ने वो प्रेजेंट हुंदे ने। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो है वो लिखूंगे हुण। थर्ड पॉइंट बच्चे की है, ए आम तौर ते, ए आम तौर ते खुले खुले, खुले खुले पै हुंदे हन। ठीक है बच्चे, सो ए भी पॉइंट नोट करो, इहदा मतलब इना दे विचकार, इना दे विचकार काफी खुली जगह, खुली जगह जा थां हुंदी है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट भी नोट करो, मतलब तुसी की कह सकते हैं, दी सेल्स आर, सेल्स आर लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे किया कि इना टिशुआ, इना टिशुआ दे सेला विचकार, अंतर सैली स्थान
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ? ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿੰਗ ਇਜ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਟਿਸ਼ੂਜ ਦੈਟ ਹੈਲਪ ਟੂ ਸਟੋਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਮਤਲਬ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਦੇ ਗੁਣ। ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਣੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੀ ਟੇਢੀ ਕਾਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਿਵ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੰਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਸਥਾਨ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰ ਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ, ਭੋਜਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਣੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੰਟਰ ਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿੰਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰ ਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿੰਗ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਪਤਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ, ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਡ ਆ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਰਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਸੈਲਸ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੌਦੇ, ਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਤੋ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਲੋਰਨਕਾਈਮਾ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਲੋਰਨਕਾਈਮਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਲੋਰਨਕਾਈਮਾ, ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ? ਕਲੋਰਨਕਾਈਮਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਲੋਰਨਕਾਈਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਕਲੋਰਨਕਾਈਮਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਲੋਰਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲੋਰਸ ਵਰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਲੋਰਸ। ਕਲੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਲੋਰਸ, ਬਲੈਕ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੋਰਸ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ।
तो इहदा मतलब की हुंदा है ग्रीन। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया पैरेन्काइमा दी फर्स्ट फॉर्म। ते इसी तरह बच्चे कई बार की हुंदा कई जली पौधे हुंदे आ, यानी कि एक्वाटिक प्लांट्स, जेड़े जली पौधे ठीक है। इन्हां जली पौधियां दे विच की आ, इन्हां दे विच जेड़ी खाली जगह हुंदी मतलब कैविटीज प्रेजेंट हुंदियां ने, उन्हां पैरेन्काइमा दे विच टिश्यूज दे विच वड्डियां हवा भरियां थावां हुंदियां ने, थावां हुंदियां हन जो पौद्यां नूं हल्का रखदियां हन। ठीक है, पौद्यां नूं हल्का रखदियां हन ते नाल ही उछाल बल दिंदियां हन। केड़ा बल? उछाल बल। उछाल बल नूं बियॉइंट फोर्स कहिंदे आ। ठीक है, तो उछाल बल दिंदियां ने और उछाल बल दे कारण यही पौधे फिर ये तैरना शुरू करते ने, मतलब ये उन्हां नूं तैरन विच मदद इस नाल इन्हां नूं तैरन विच मदद मिलदी है। ठीक है बच्चे, सो ये भी पॉइंट नोट करो। ते इन्हां नूं बच्चे की आखदे हन, इन्हां दा नाम हुंदा है, नोट कर लो, इन्हां टिशुआं नूं आखदे हन फिर एरेन्काइमा। नोट करो प्यारे विद्यार्थियों, एरेन्काइमा। ठीक है, दो तरह दी फॉर्म्स हो गई हैं। एक केड़ी है? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा की है स्पेशली पत्तियां दे विच जदों उन्हां नूं सनलाइट दे विच रखदे क्लोरोप्लास्ट डिवेलप करदी है जो फोटोसिंथेसिस लई हेल्प करदी, और ओदे करके फिर पैरेन्काइमा नूं की आखदे हां? क्लोरेन्काइमा। ते इसे तरह बच्चे कई एक्वाटिक प्लांट्स हुंदे ने जिन्हां नूं जली पौधे आखदे आ। ये इन्हां विच की है वड्डियां हवा भरियां थावां हुंदियां मतलब एयर कैविटीज प्रेजेंट हुंदियां ने जो पौधे नूं हल्का रखदियां ने अते उछाल बल मीन्स बियॉन्ड फोर्स प्रदान करदियां, ते इस नाल फिर पौधियां नूं तैरन विच मदद मिलदी है। उहनूं असीं की कहिंदे आ, उन्हां टिश्यूज नूं फिर असीं एरेन्काइमा आखते हैं। ठीक है, और दोनों दे इमेज तुहाडी स्क्रीन दे उपर फ्लैश हो रहे ने, जो ग्रीन कलर दा है वो क्लोरेन्काइमा दा इमेज है, तुसी देख सकते हो। ठीक है, और जो एरेन्काइमा ने वो रेड कलर दा जो इमेज तुहाडी स्क्रीन दे उपर फ्लैश हो रहा वो एरेन्काइमा दे ने। ठीक है, और एरेन्काइमा दे विच तुसी स्पेशली देख सकते हो उत्थे उत्थे एयर स्पेसिस जिहड़ियां वो प्रेजेंट ने। ठीक है, उन्हां एयर स्पेसिस दे विच दे करके उन्हां नूं उछाल बल मिलदा है मतलब जिहदे नाल वो की है तैरन विच सहाई हुंदे ने। ठीक है, क्योंकि हल्के हो जांदे आ। प्यारे विद्यार्थियों, पैरेन्काइमा दी एक होर फॉर्म है, उहनूं असीं कहिंदे आ स्टोरेज। स्टोरेज पैरेन्काइमा मतलब भंडारण, पैरन काइमा। ठीक है, ये भी बच्चे नोट करो, इहदा बेसिकली काम की है, इहदे विच की हुंदा कि ये पैरेन्काइमा मॉडिफाइड फॉर्म हुंदियां जिहदे विच फिर खनिज पदार्थ मतलब तुसी कह सकदे आ पौष्टिक तत्व ते पानी स्टोर हुंदा। ठीक है बच्चे, सो प्यारे विद्यार्थियों, पैरेन्काइमा दियां वी असीं तीन फॉर्म पढ़ लईआं। पहला असीं पढ़िया क्लोरेन्काइमा, उस तो बाद एरेन्काइमा, ते फिर उस तो बाद स्टोरेज पैरेन्काइमा। ठीक है, सो बच्चे ये है पैरेन्काइमा टॉपिक, आस करते हैं तुहानू ये भी समझ आ गया होगा। ते अगर तुसी इन्हां दी फंक्शन की गल करो कि फिर हुण इन्हां दा पैरेन्काइमा दा पौद्यां दे विच फंक्शन की होया, तो बच्चे मेन फंक्शन जो है वो इहदे विच है फोटोसिंथेसिस दा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, इसे तरह एसिमिलेशन
स्टोरेज का भी काम हो गया, ठीक है, ये भी फंक्शन करते, सैक्रेशन ते एक्सक्रेशन इन्हां दे फंक्शन हुंदे ने, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। सो नोट करो,